दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अश्वगंधा रिस्ट सिरप के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे इस वीडियो में कि अश्वगंधा रिस्ट सिरप के क्या यूजेज़ हैं और इसको लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और कई कितने की मिलती है। और इसके अलावा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अश्वगंधा रिस्ट सिरप की। तो दोस्तों इसको जो है मैन्युफैक्चर करते हैं डाबर फार्मास्यूटिकल्स वाले। इसके अलावा दोस्तों हमदर्द भी अश्वगंधा रिस्ट सिरप को मैन्युफैक्चर करता है। इसके अलावा पतंजलि भी हम अश्वगंधा रिस्ट सिरप को मैन्युफैक्चर करता है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं अब इसके यूजेस की। तो अश्वगंधा रिस्ट सिरप के कई सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप इसको ले रहे हैं डेली यूजेस पे। दोस्तों अश्वगंधा रिस्ट सिरप की बात करें तो इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अश्वगंधा रिस्ट सिरप लेने से आपको जो स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम होती है, यानी कि थकान तनाव, इससे आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों इसको लेने से आपका जो एनर्जी लेवल है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी या वीकनेस है तो अश्वगंधा रिस्ट सिरप आपके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। इसको लेने से आपका जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा दोस्तों इसको लेने से ब्लड शुगर लेवल आपका इंक्रीज़ करेगा, रेगुलेट करता है ये ब्लड शुगर लेवल को। और दोस्तों अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो अश्वगंधा रिस्ट सिरप लेने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लोअर करने में हेल्प मिलता है। तो कई सारे बेनिफिट्स हैं जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको अश्वगंधा रिस्ट सिरप लेने के। इसके अलावा दोस्तों अश्वगंधा रिस्ट सिरप लेने से अगर आपको दर्द या बहुत ज़्यादा पैनिक कंडीशन है तो अश्वगंधा रिस्ट सिरप लेने से आपको उसमें राहत मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों अश्वगंधा रिस्ट सिरप एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है, तो इसको लेने से आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो इंक्रीज़ रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं अश्वगंधा रिस्ट सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की, कि अश्वगंधा रिस्ट सिरप से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको स्टमक अपसेट हो सकता है, मतलब पेट जो है पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि डायरिया यानी कि लैट्रिन आना। इसके अलावा उल्टी हो सकती है और शायद आपको स्किन रैशेज हो सकते हैं या लीवर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये बहुत ही रेयरली होता है पेशेंट में, सबके साथ नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसा कोई कंडीशन लग रही है तो आप अपने डॉक्टर की कंसल्ट अवश्य कर लें इसको लेने से पहले। तो दोस्तों अब बात करते हैं अश्वगंधा रिस्ट सिरप के MRP प्राइस की। तो दोस्तों मार्केट में आपको 215 रुपये की MRP पे देखने को मिलता है और एक बॉटल में 450 ml होता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस टाइप की बॉटल होती है। और इसको लेने के मैं आपको यूजेस बताता हूँ आपको कैसे इसको लेना है। तो ये आपको 15 से 30 ml आपको लेना है हल्का गुनगुने पानी के साथ। आप 2 टाइम ले सकते हैं दिन में और इजीली सभी मार्केट पे अवेलेबल है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि इसको लेने से क्या दोस्तों आपका जो वेट है वो गेन होगा। तो अगर आप इसको डेली बेसिस पे लेते हैं तो हाँ, इसमें ऐसे कई सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो वेट गेन करने में काम आते हैं, मतलब वज़न जो है वो बढ़ाने में इंक्रीमेंट होता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी अबाउट अश्वगंधा रिस्ट सिरप की। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ऐसी ही मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू मेडिसिन। थैंक यू सो मच।